गुरु जी तो कुछ घटिया है घटिया है घटिया है तो बोलते हैं बिकाओ को एक बार रोस्ट करो मजा है। हालात बिगड़े मेरे साथ था क्या तू, हालात बिगड़े मेरे पास था क्या तू, हिसाब पैसे का था साथ था ना तू, फुकड़ का खाते जब। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक एवरीबॉडी। बहुत डिमांड थी आपकी कि अश्विन के साथ वीडियो बनाओ, आई मीन फॉरेनर के साथ वीडियो बनाओ। तो सबसे पहली चीज, हम यहाँ पर कोई कुछ भी टॉपिक नहीं है, जस्ट रैंडम टॉक्स होने वाली है। और भाई साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे कि फॉरेनर कौन है एक्चुअली। वो ना एक क्या बोलते हैं, एक हवा है। क्या होता है कि ना, हमारी ऑडियंस जो है ना भूतों की फिल्में ज्यादा देखती है, तो उनको देख के ना उनको फिर हर इंसान का एक अलग रिफ्लेक्शन बन जाता है। उनको ये नहीं समझता कि अश्विन शर्मा फॉरेनर कैसे हो सकता। हाँ, और मैं हिंदी बोल रहा हूँ, ठीक है, शुद्ध हिंदी, ठीक है। अब क्या आपको संस्कृत में बात करके दिखाऊं तब आप समझेंगे। इंस्टा पे मेरे को रोज फोन करते हैं, सर आप यूएस पहुंच गए, सीधा पता सीधा वीडियो कॉल आते हैं, मतलब मैसेज रिक्वेस्ट नहीं, सीधा वीडियो कॉल। भाई यूएस दिखा लो हमें, आई आई वांट टू टॉक टू यू डेस्परेटली, ये वो, आई एम योर ह्यूज फैन, सर यूएस से आओगे तो मेरे लिए कुछ लेके आना। अरे कुछ भी, बस तुमको लाइक करने बोलो वो भी नहीं करते, उसका भी डिसलाइक कर रहे हो, बस मजे रहो जिंदगी भर। अंधवक्त से याद आया, आपके फेवरेट यूट्यूबर कौन है? मेरे फेवरेट यूट्यूबर माइकल फिशर। ये कौन है? माइकल फिशर का चैनल है द मिस्टर मोबिल। अच्छा, इंडिया में है? नहीं नहीं, इंडिया में कौन है फेवरेट आपका? इंडिया में सोचना पड़ेगा। भुवन भुवन तो चलो सही है। और आपने लास्ट टाइम बताया था कि कोई गुरुजी करके हैं आपके फेवरेट। अच्छा, वो बिकाऊ सर। अरे भाई साहब, रहने दो रहने दो, बेंडेज में आया था बीच में, कुछ कहना चाहेंगे? मेरा बस चल रहा है, उनको ही बेंड कर दूं। अरे मतलब जैसा लोग बोलते हैं ना कि मैं यूएस से हूँ, जिस दिन मौका मिलेगा ना लेके जाके यूएस में बेंड टेस्ट करूंगा वो लाइव स्ट्रीम पे, कि भैया फिर बेंड करके देखेंगे ना कि कितना पैसा निकलता है। मेरे को वो देखना कि कितना पैसा निकलता है, इतना इंसान को खा कैसे सकता है। अभी ना रिसेंट में मैंने लास्ट टाइम एक वीक हो गया शायद, एक वीडियो डाली थी मैंने सेम टॉपिक के ऊपर। हाँ बता, पब्लिक जो भड़की ना, मतलब लोग समझ नहीं पता यार के भाई साहब हमने कुछ बोला है, कुछ बोला है भाई। हम तो गांधी जी के बंदे रहे, बुरा देखते नहीं, बुरा बोलते नहीं, बुरा सुनते भी नहीं। हमने बस दो स्टेटमेंट्स को कंपेयर किया। गांधी जी ने ये नहीं बोला है कि बुरा मत दिखाओ, बुरा मत सुनाओ, बुरा मत बुलवाओ। बुरा तो आप बोल ही लेते हो, आपको उस पर कोई कंट्रोल कर नहीं सकता। एग्जैक्टली, लेकिन समझो यार, थोड़ा आंखें खोलो, दुनिया देखो। ये तो वही बात हो गई, गूगल मैप सस्ता बता रहे, आप चले जा रहे हो खंडर में लेके जा रहे हो, वहां भी जाओ पहुंच गए, शमशान में लेके जा रहे हो, यूएस को नहीं पहुंचा अब तक। आपको वो अच्छे लगते हैं, मुझे घटिया लगते हैं, तो मैं बोलूंगा घटिया है वो, चूतिया है। ओपिनियन है भाई, ओपनली रिस्पेक्ट योर ओपिनियन जो भी है। हां, जो ये डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, रिपब्लिक है। फिर अब भाई क्या है, डेमोक्रेटिक है रिपब्लिक है? वो है डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक है, हम अनपढ़ है। देखो फिर भी लोग बोलते हैं यूएस से। सच्ची बात है, सच्ची बात। हाँ, तो एटलीस्ट सबका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमें जो बोलना है हमें घटिया लगता है, मैं बोलूंगा ओपनली बोलूंगा, गुरु जी तू कुछ घटिया है घटिया है घटिया है, ये ले कॉर्पोरेट स्ट्राइक मार के दिखा तेरे पास तो मेरा नंबर भी है बेटा। दो साल पहले इंटरव्यू लिया था, एक टाइम में मैं भी फैन हुआ भाई, इसीलिए तो सवाल आया कि भाई साहब फैन से क्या बोलते हैं इसको। देखो आप काम करते हो उसकी हम रेस्पेक्ट करते हैं, आप हर रोज दो वीडियोस डालना खाने की बात नहीं, नहीं है। वो तो क्या, बड़े बड़े यूट्यूबर से नहीं होता, नहीं होता, लेकिन आप कर रहे हो वो रिस्पेक्ट है। लेकिन जो आपका गुडविल बना हुआ है, जो आपका भरोसा है लोगों के साथ, अब वो वही बात हो गया कि अब नोकिया कल को या एप्पल कल को ऐसे फोन बनाने लगे जिसके अंदर कुछ नहीं है लेकिन प्राइस रखे 1 लाख, तो वो तो लोगों के साथ धोखा हो गया ना, क्योंकि लोग तो भरोसा करके आप पे ले रहे हैं। अब Xiaomi वगैरह से हम एक बार एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं कि ये ऐसी कोई हरकत कर सकता है, क्योंकि ये मनी ड्रिवन कंपनी है। बट Samsung, Apple, Nokia सब प्रोडक्ट पे ध्यान देते हैं, गुडविल ड्रिवन कंपनी। लोग वो नहीं देखते कि इसमें रैम कितना है, इसमें कैमरा कितना है। Samsung ने बनाया है तो अच्छा ही होगा, चाहे वो वीडियो हो। जिनको Samsung लेना है Samsung ही लेंगे, वो Xiaomi को हाथ नहीं लगाने वाले, वो Realme को हाथ नहीं लगाने वाले। तो जिस तरह आप उनका आप पे गुडविल, आप पे भरोसा करते हैं, तो उस भरोसे का रिस्पेक्ट करो। हाँ, आई नो यूट्यूब पे पैसा है, ये सब चीजों के पैसे मिलते हैं, ठीक है, लोग बोल रहे हैं कि हाँ ये ऐसा है वैसा, ठीक है। आप राजीव मखनी हो ना, तो राजीव मखनी जैसा बिहेव तो करो। राजीव मखनी ना लाखों के पीछे अपना ईमान नहीं बेचते। लेट्स लीव दिस टॉपिक, हम बहुत ज्यादा जा रहे हैं कंट्रोवर्सी में। बस इतना ही बोलूंगा कि राजीव मखनी
पैसों के में ईमान नहीं बेचता है, वो खुद को बेचता है, खुद को या फिर अपनी पर्सनैलिटी को बेच रहा है, ठीक है, कितने दिन बिल में छुपेगा, किसी ना किसी दिन बाहर आना ही है, सच्ची बात है, ठीक है। और यहाँ पे गलती है, आपको समझना चाहिए, आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हो, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है, आज आपकी किस्मत है, लेकिन अपना भी टाइम आएगा, वही बात चल रही है, अपना टाइम आएगा। हम भी वही बात कर रहे थे कि भाई साहब एक टाइम था जब AIB के लेवल पे कोई नहीं था, आज उनकी हालत क्या है, मुझे अपना टाइम आएगा लेकिन कब आएगा, डेट दे दो ना एक प्लेस, देखो हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है, कोलगेट पे होता है, खाने पे होता है, हमें भी दे दो एक्सपायरी डेट, ठीक है, इस डेट तेरा टाइम आ जाएगा। रणवीर सिंह मिलता है तो पूछते हैं, तो जो है एक्टर से पूछेंगे, नहीं नहीं फिर उसको भी नहीं पता होगा, उसका भी टाइम बहुत टाइम के बाद आया था, उसके दीपिका से शादी नहीं हुआ, पाप छुपाए नहीं छुपता, गीता में लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है, हर जगह लिखा हुआ है। अब इस पे तो डिसलाइक मत मारना, ये तो हमारा टॉपिक वही था, हमारे पास कुछ टॉपिक नहीं है, रैंडम टॉक्स करेंगे भाई साहब, हमारे पास फॉरेनर भी है, US में वैसे जगह कोई भी, चलो वाशिंगटन US में आता है ना, वाशिंगटन नहीं, हमारा नॉलेज मत करता है, मत पूछो हमसे। अच्छा ठीक है, चलो अच्छी बात नहीं, बैंकॉक बोलूंगे तो क्या बोलेंगे, लास वेगास में तो मेरे को ये याद आया, डबल और नथिंग लास वेगास में ही है शायद, वैसे जिसको पता नहीं, हम तो रेसलिंग के बहुत बड़े फैन हैं, आधे लोगों को समझ नहीं आएगी, और आधे लोग बोलेंगे फेक है, तुम लोग क्यों देख रहे हो बे, चूतिए हो क्या, देखो फेक और स्क्रिप्ट में फर्क होता है, वो टेपिंग्स होती है, उनको पता होता है कि ये करना है, पर वो करते हैं, जैसे आप सीरीज कोई सीरियल देखते हो तो उसमें स्क्रिप्ट होती है ना, अनफोल्ड होती है स्टोरीज, तो वैसे होती है, अब मतलब वो सबकी चॉइसेस है, मुझे रेसलिंग पसंद है, आपको कुछ और पसंद होगा, ठीक है, फेवरेट रेसलर कौन है, मेरा फेवरेट रिकशेरी मत बोलना, वो रिजर्वड है, ओके फेवरेट रेसलर सोचना पड़ेगा, एडम कोल को बोल सकते हैं, हां रे वो क्या बोलते हैं, बोल गया मैं, क्या टैगलाइन बोल रहा हूं, कैसे एडम कोल और ये भी है ना, जगह कभी रेसलिंग नहीं देखी, कोई भी NXT का टेक ओवर देख लो, प्यार हो जाएगा रेसलिंग से, मतलब एडम कोल को तो छोड़ो छोड़ दो, हम बात करते हैं जॉनी रेसलिंग, हाँ मतलब कोई भी टेक ओवर देख लो, मतलब बंदे ने लास्ट ईयर के कोई भी टेक ओवर देख लो, हर टेक ओवर को मेन इवेंट किया है बंदे, चैंपियनशिप मैच नहीं है फिर भी मेन इवेंट बंदा कर रहा है, तो वो है कि एक बार देखोगे तो अच्छा लगेगा, बट सबकी चॉइसेस होती है, वही बात है। वैसे रेसलिंग छोड़ो, जो लोगों का पर्सनल फेवरेट है ये बताओ, परिचय से परिचय कैसे लगा यार, परिचय के साथ सीन ऐसा है ना कि मैं मतलब काफी टाइम पहले ना मैंने देखा था, शायद 2-4 हफ्ते हो गए होंगे अब तो मुझे याद भी नहीं कब रिलीज हुआ था, वो ट्रेंडिंग में दिखा था मुझे कुछ 13-14 मिलियन व्यूज थे, पहली बात तो मैं ये सोच रहा हूँ कितने व्यूज आए यहाँ से, लेकिन चलो मान लेते हैं बंदे का स्वैग है, फैन फॉलोइंग है, आ रहे व्यूज आ रहे, फिर सीन ऐसा हुआ था कि मैं एक दिन लाइव स्ट्रीम कर रहा था, लाइव स्ट्रीम में कुछ लोगों ने बोला कि भाई परिचय के ऊपर वीडियो बना, अरे भाई मैंने अब तक जो वीडियो देखा नहीं उसके ऊपर मैं वीडियो कैसे बना। उस सिनेरियो के बाद, इस सीन के बाद मैंने वीडियो देखा, डाउनलोड हुआ ना, और मैंने प्रॉपर रिएक्शन वीडियो बनाया भी है, और रिएक्शन वीडियो डालो ना, डालो क्या है, बस नहीं नहीं YouTube पे क्या डालना है, वीडियो डालने से ना एक कांड है, अभी कल आज ही मैंने एक कमेंट पढ़ा था, एक बंदा बोलता है कि भाई साहब आप हफ्ते हफ्ते दो दो हफ्ते वीडियो डालते नहीं हो, फिर एक साथ 2-3 वीडियो लगातार डाल देते हो, मेरी मर्जी, मेरा चैनल है, डालूंगा, एक दिन में 3 मिनट डालते, एक दिन में 1 मिनट 3 मिनट नहीं डालते, एक दिन एक बिकाऊ सर के तो आप पूरे दिन दिन में दो वीडियो डाल देते हो, ये रिएक्शन वो रिएक्शन, ये टेस्ट वो टेस्ट, कोई नहीं आप डालेंगे उसके ऊपर भी, वही सीधा कि मैंने वीडियो देखा था ना भाई साहब, मैं तो बोलता हूं 20 मिलियन व्यूज, मैं तो बोलता हूं एक बिकाऊ को एक बार रोस्ट करो, मजा आएगा, सच्ची क्या बोलते हो, सच्ची बहुत मजा आएगा, कर दे कर दो, देखो YouTube पे हम एक ही चीज के लिए व्यूज के लिए, क्योंकि हम भूखे हैं, ठीक है, इसलिए तो हमें चाहिए तो रोस्ट कर रहे हैं, हम नाम यूज करेंगे करेंगे, ठीक है, पर हमें नहीं पड़ता भाई, हमें जो पसंद है हम कर रहे हैं, वही जिसे देख लो वो देखेगा, गाली देना दो दो कोई कट्टा फर्क नहीं पड़ता, देखो वही देखो एक बार पढ़ के फिर छोड़ दे, देखा इससे ना मेरे को और बात याद आई कि मैंने वो वीडियो बनाई थी उसको व्यूज भी आ गए ढंग के, हाँ
और उसपे जो कमेंट्स आए ना, शुरू का पहला एक दिन तो मैं सब कमेंट्स पढ़ रहा था और मैंने रिप्लाई भी दिया बहुत सारे कमेंट्स को, अच्छा है बुरा है कैसा भी कमेंट है। फिर उसके बाद एक स्पेशल बंदे का कमेंट आया कि नहीं, गाजर? हाँ गाजर। जाने दो, अपना ही दोस्त है, बड़ा भी जाएगा बंदा। नहीं मतलब अगर मैं एक बात, अगर मैं राज भाई आपके लिए डंके की चोट पे बोल सकता हूँ कि सारी दुनिया उसको से नफरत करने लगे, एक बंदा था उसका जिंदगी भर फैन रहेगा, वो लॉयल फैन है। मतलब बोलो भाई, हमारे भी ऐसे फैन बनो यार। बन जाओ किसी तरह बनो आप भाई, आपके फैंस हैं वैसे। मैं जब भी लाइव स्ट्रीम करता हूँ ना, एक ना एक बंदा तो मिलता ही है अश्विन के साथ। इसके बाद कोई कुछ नहीं बोलेगा, अश्विन के साथ वीडियो बना भाई। नहीं, अब सब क्या करेंगे, इंस्टा खोलेंगे, एक गुरुजी का सबसे बड़ा हेटर। हाँ नहीं, सीधा रिपोर्ट, स्पैम और इनअप्रोप्रिएट, खत्म। नहीं भाई, तू आइडिया दे रहा है उनको, वो जो नहीं करने वाले थे वो भी कर लो, दूसरा बना लूंगा, दो मिनट लगता है। पता नहीं आपको मजा आ रहा है कि नहीं, लेकिन हमें ये वीडियो बनाते हुए जो मजा आ रहा है ना भाई साहब, मतलब देखो मजा ना हमेशा ट्रांसफर होता है। आप लोग भी हमारे खत्म नहीं होना चाहिए, ट्रांसफर करो यार, इस वीडियो को पहुंचाओ उनके पास, पहुंचाओ जो भक्त है, भक्तों के पास पहुंचाओ, रियलिटी पता चल ले दो, बस लाइक आए तो आए, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस पहुंचाने का काम करो। आप समझो आप पोस्टमैन हो, ठीक है, आपको डिलीवरी करके भूल जाना है, फिर रिफंड पॉलिसी नहीं है अपने पास, देख लिया हमें भी, आप निकलो बाय।